मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नवचयनित कर्मियों को सौंपा नियुक्ति पत्र। राज्य के विकास में जुटने की अपील। झारखंड को विशिष्ट पहचान दिलाने का सीएम ने जताया संकल्प। केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने झारखंड दौरे के क्रम में विभिन्न कार्यक्रमों में लिया हिस्सा। राज्यपाल से की मुलाकात। विकास और सुशासन पर दिया जोर। गोगो दीदी योजना को लेकर भाजपा ने बढ़ाया जनसंपर्क। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने रांची में लाभार्थियों का भरवाया निबंधन फॉर्म। और सीईओ का विधानसभा चुनाव में वोटरों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर। रांची में 18 और 19 अक्टूबर को कला महोत्सव। आधार की उपयोगिता पर राजधानी में कार्यशाला का आयोजन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विभिन्न श्रेणियों में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए गए। इस मौके पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्य मंत्री एल मुरुगन समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। Spirit, his superlative acting prowess, 5 decades of excellence in variety of genres and languages, realizing most importantly the dream of the common man rising above ordinary to reach unfathomable heights of stardom. Mithun Chakravarti, ladies and gentlemen. आम आदमी के सामाने से ऊपर उठकर स्टारडम की ऊंचाइयों को छूने के सपने को साकार। फूल पुरस्कार विजेताओं की संख्या 85 से अधिक है, लेकिन महिला पुरस्कार विजेताओं की संख्या केवल 15 है। मैं शिक्षण संस्थानों के कई कन्वोकेशन फंक्शंस में जाती हूँ। अधिकांश उच्च शिक्षण संस्थान में पुरस्कार प्राप्त करने वाले छात्राओं की संख्या छात्र से अधिक होती है। ऐसे ही बदलाव रोजगार और उद्योग जगत में भी होना चाहिए। फिल्म उद्योग द्वारा वुमेन लेड डेवलपमेंट की दिशा में और अधिक प्रयास किया जा सकता है। मोदी जी की सरकार और विशेषकर इस ऐतिहासिक तीसरी टर्म में इस क्रिएटर इकोनॉमी को एक नया आयाम देने के लिए संकल्पबद्ध है। इस नए मीडियम से जो डाइवर्स टैलेंट है हमारे देश का, उस डाइवर्स टैलेंट को, उस क्रिएटर इकोनॉमी को एक नई ऊंचाई मिलेगी। साथियों, इस क्रिएटर्स इकोनॉमी के लिए सबसे पहला वेव्स अवार्ड कुछ ही महीनों बाद में दिया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज प्रोजेक्ट भवन सभागार में नव चयनित 35 लॉ एग्जीक्यूटिव, 4 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और 21 असिस्टेंट इंजीनियर को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस मौके पर मंत्री बैजनाथ राम और रामेश्वर उरांव समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने झारखंड को विशिष्ट पहचान दिलाने का संकल्प जताया। साथ ही नवनियुक्त कर्मियों से राज्य के विकास में सकारात्मक योगदान की अपील की। और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, स्कूल मैनेजर जैसे लोगों पदों पर आप सब नियुक्त होने वाले हैं। आप सभी लोगों को भी मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप चूंकि सरकार के अब अभिनंग के रूप में हैं और इसी आशा उम्मीद के साथ आपको सरकार का अंग बनाया जा रहा है ताकि राज्य के सर्वांगीण विकास का एक पहिया बनने का
मुख्यमंत्री ने नेतरहाट आवासीय विद्यालय की तर्ज पर खूंटपानी, नवाडी एवं मसलिया में विद्यालय भवन का भी ऑनलाइन शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने जैक, सीबीएसई, आईसीएसई की बोर्ड परीक्षाओं तथा झारखंड ओलंपियाड में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया। झारखंड के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज रांची में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। राजधानी में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार होगा। इस सिलसिले में युवाओं से संवाद कर उन्हें जागृत किया जा रहा है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि देश में अब विकास और सुशासन की ही राजनीति चलेगी। झारखंड में भी अब इसी मंत्र पर लोग चलना चाहते हैं। भाजपा हमेशा से विकास और सुशासन की राजनीति की पक्षधर रही है। ये दो ही विषय हैं जी हमारे। डेवलपमेंट में आप कोई डेवलपमेंट देख लीजिए, हरियाणा में जो पिछले 10 सालों में बहुत तेजी से आगे बढ़ा, गवर्नेंस तेजी से आगे बढ़ी, लोगों को घर बैठे अपना पेमेंट मिला, बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी मिली। ये दो ही एजेंडे चलने वाले हैं जी पूरे देश में। यहाँ भी वही चलेगा, गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट जो करेगा और उसमें भारतीय जनता पार्टी आगे, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी आप देखना आगे रहेगी। केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज रांची दौरे के क्रम में राजभवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच राज्य के विकास और समसामयिक विषयों पर बातचीत भी हुई। गोगो दीदी योजना को लेकर भाजपा ने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। रक्षा राज्य मंत्री सर रांची सांसद संजय सेठ ने आज इस योजना को लेकर धुरवा में महिलाओं से मुलाकात और संवाद किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को गोगो दीदी योजना की जानकारी देते हुए सबका निबंधन फॉर्म भी भरवाया। श्री सेठ ने कहा कि सरकार आने के साथ ही प्रक्रिया पूरी कर महिलाओं के खाते में 2100 रुपए भेजे जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस योजना से सत्ताधारी दलों की नींद उड़ गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी आज रांची के खोखमा टोली में ग्रामीण महिलाओं को गोगो दीदी योजना का फॉर्म भरवाया। मौके पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि गोगो दीदी योजना को लेकर प्रदेश की महिलाओं में काफी उत्साह है। इधर नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने गोगो दीदी योजना को आधी आबादी के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए भाजपा की बड़ी पहल बताया है। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने चुनावी वादे के अनुरूप ही प्रदेश की महिलाओं से फॉर्म भरवा रही है, इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दुनिया के सामने कहा है कि भाई हमारी सरकार आएगी तो हम प्रत्येक महिलाओं को 2100 रुपए का जो है हम महिला सशक्तिकरण का योजना देंगे, और उसके लिए जो इच्छुक है उनका हम लोगों ने फॉर्म मंगाया है, उनको फॉर्म भरने के लिए कोई जबरदस्ती फॉर्म थोड़ी भरा रहे, लोग भर रहे हैं। अब कुछ डीसी जो है कुछ ज्यादा काबिल बन रहे हैं, उनको चाटुकारिता और चरण पूजन में सरकार का लगता है कि सरकार हमेशा रहने वाली है। जदयू नेता सरयू राय ने झारखंड बिजली विकास निगम में पैसों की हेराफेरी मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। आज रांची में पत्रकारों से बातचीत में श्री राय ने कहा कि इसको लेकर एसआईटी का गठन हुआ है, लेकिन एसआईटी जांच में मामले से पर्दा उठने की उम्मीद कम है। ट्रस्ट फंड करीब 1000 करोड़ रूपए का है, अभी तो अखबारों में 100 करोड़ रूपया ही आ रहा है, परंतु मेरे सूचना के हिसाब से 500 करोड़ रुपए तक की हेराफेरी हो चुकी है। देख, मैं आपके माध्यम से अपनी मांग रखना चाहता हूँ
कि सीबीआई अगर इसको नहीं लेगी तो ये माना जाएगा कि सीबीआई अपने दायित्व में कोताही कर रही है। मैया सम्मान यात्रा के सिलसिले में आज लोहरदगा समाहरणालय मैदान में सभा का आयोजन हुआ। इस दौरान मंत्री बेबी देवी, दीपिका पांडे सिंह, सांसद सुखदेव भगत और विधायक कल्पना सोरेन समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। मौके पर मैया सम्मान योजना अंतर्गत तीसरी किस्त की राशि भी डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई। कहीं ना कहीं हर पर्व, चाहे वो रक्षाबंधन हो, करम पर्व हो या फिर हमारा नवरात्र दुर्गा पूजा हो, ये सौगात है हमारी आदि आबादी महिलाओं की। सबसे पहले रक्षाबंधन पे हमारे हेमंत जी के नेतृत्व में मैया सम्मान योजना की पहली किस्त जारी हुई, फिर करमा में, फिर नवरात्र में। कहने का मतलब है कि जो एक सम्मान, एक प्रतीक के रूप में जो मैया सम्मान योजना की राशि हम लोगों ने निर्यात की है, और आपने देखा होगा जिस प्रकार लोगों का हुजूम, जो हमारी माताएं, हमारी बहनें, और जो हुजूम यहाँ पे देखने को मिला है, और दुखद स्थिति तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर पीआईएल कर दी। क्या वो नहीं चाहती हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को एक सम्मान राशि भी हम मुहैया कराएं? भाजपा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड प्रदर्शन किया है और पार्टी की तीसरी बार सत्ता में वापसी होने जा रही है। एग्जिट पोलों को झुठलाते हुए पार्टी ने मतों की गणना में हरियाणा में शानदार प्रदर्शन किया। विधानसभा चुनाव के मतों की गिनती में कांग्रेस के दावे हवा हवाई साबित हुए। उधर जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के परिणाम कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में गए हैं। भाजपा के हरियाणा विधानसभा चुनाव में हैट्रिक जीत से यह साबित हो गया है कि देश में अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में लहर कायम है। इस जीत से झारखंड भाजपा भी गदगद है। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि यह हरियाणा की जनता की भाजपा नीत सरकार के विकासोन्मुख कार्यों पर मुहर है। मुझे हरियाणा की जनता पर गर्व है और उनके इस मैंडेट को भी हम लोग बहुत स्वागत करते हैं। लगातार तीसरी बार एक जनता की सरकार उन्होंने बनाई है, आशीर्वाद दिया है, और मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा निरंतर विकास की पकड़ा है, उसको और भी विकास की सत्ता के बढ़े। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में विभिन्न स्तरों पर प्रशासनिक तैयारियां जारी हैं और जन जागरूकता पर भी जोर दिया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार की पहल पर रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में आगामी 18 और 19 अक्टूबर को कला महोत्सव 8/81 का आयोजन होगा। इस सिलसिले में निर्वाचन सदन में आज पोस्टर और वीडियो की लॉन्चिंग की गई। राज्य में मतदाता जागरूकता के लिए रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में 18 से 19 अक्टूबर को 8/81 कार्यक्रम आयोजित होगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने इस सिलसिले में आज पोस्टर और रील्स जारी किए। उन्होंने बताया कि आकर्षक कलाकारी और मनोरंजक माध्यम से मतदाताओं को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर आर्टिस्ट आएंगे, केवल झारखंड का नहीं, इंडिया में बाकी स्टेट से भी आ रहे हैं। यहाँ पर बेसिकली इसी प्रोग्राम में 81 आर्ट बनेगी, एक एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का थीम में बनेगी। इसमें आर्टिस्ट ये होंगे, वो नामी आर्टिस्ट होंगे, बाहर से भी आएंगे, झारखंड का भी आर्टिस्ट रहेंगे। उन्होंने बताया कि विभिन्न राज्यों के कलाकार इस महोत्सव में भाग लेंगे, साथ ही 81 फीट के कैनवास पर मतदाताओं को भी अपने कला का प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि 8/81 कार्यक्रम में झारखंड की कलाकृति और संस्कृति की झलक मिलेगी, साथ ही मतदाताओं को जागरूक करने के लिए म्यूजिकल मनोरंजन की भी व्यवस्था होगी। वहीं स्थानीय फूड स्टॉल में लजीज व्यंजन भी उपलब्ध होंगे। एक परिवार का साथ में जाके उसका कराने के लिए, साथ में स्टूडेंट्स का ये आर्ट में कितना भी इन्वॉल्व है वो भी आने के लिए वहाँ पर सुविधा रहेगी। वहाँ पर हम लोग फूड स्टॉल भी लगाएंगे, फिर वहाँ फैमिली के साथ में भी जाके आर्ट करने के लिए व्यवस्था होगी। वहाँ पर कोई आदमी जाएंगे, मतलब वो सीख सकते। 2 दिन का प्रोग्राम यही है, आर्ट का माध्यम से
हम लोग इसका सभी वोटर के शामिल कराने के लिए काम कर रहे हैं उसमें। राज्य में जल्द ही विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। लोकतंत्र के इस महापर्व में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह पहल निश्चित रूप से सराहनीय है। रांची से सहयोगी विकास के साथ शिवानी की रिपोर्ट। विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के रांची क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा आज आधार की उपयोगिता को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि आधार के इस्तेमाल से जहां सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ी है, वहीं इससे लोगों को काफी सुविधा भी हुई है। हाल के वर्षों में सूचना क्रांति के प्रसार से आम लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में काफी सुविधा हो रही है। इसकी एक बड़ी वजह आधार है। आधार के और व्यापक इस्तेमाल पर मंथन के लिए रांची में विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के रांची क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर UIDAI के DDG आमोद कुमार ने कहा कि ईज ऑफ लिविंग की दिशा में आधार के व्यापक इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल करके, ये जो डिजिटल आईडी, जो विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल आईडी आधार है, इसका इस्तेमाल करके कैसे सामान्य व्यक्ति का जीवन आसान कर सकते हैं। और हम लोगों ने चर्चा की मुख्य रूप से कि कहां कहां हम लोगों ने आधार से बेहतरी लोगों के जीवन में लाए हैं। इस मौके पर सूचना प्रौद्योगिकी सह ई गवर्नेंस सचिव विप्रा बहल ने कहा कि राज्य में आधार के इस्तेमाल का विश्लेषण किया जा रहा है। आधार पंजीकरण के मामले में झारखंड का औसत प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से बेहतर रहा है। 0 से 5 आयु वर्ग के बच्चों का पंजीकरण चुनौती है। एक विशेष एज ग्रुप है जो कि 0 to 5 एज ग्रुप है, तो चाइल्ड इनरोलमेंट आज राज्य के लिए एक चुनौती है। तो उसमें हम किस प्रकार से इनरोलमेंट बढ़ा पाए और अधिक से अधिक इनरोलमेंट उस वर्ग में हम बढ़ाएं, जिससे कि हमारा जो पूरा स्टेट का एवरेज जो है आधार इनरोलमेंट का, उसमें भी बढ़ोतरी हो। उन्होंने कहा कि वर्कशॉप में कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। फेस रिकॉग्निशन तकनीक पर भी आगे बढ़ने की कोशिश हो रही है ताकि फेस और ऑथेंटिकेशन कल्याणकारी योजनाओं में लागू हो सके। फेस रिकॉग्निशन टेक्निक जो है आधार ऑथेंटिकेशन के लिए, उसको हम विभिन्न योजनाओं में इस्तेमाल करें। जैसे अभी हम बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, OTP बेस्ड ऑथेंटिकेशन या डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन करते हैं। इस अवसर पर स्वास्थ्य सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि वर्कशॉप में UIDAI दिल्ली के प्रतिनिधियों के अलावा राज्य के अधिकारियों की भी मौजूदगी रही। जो आधार का हम लोग कैसे व्यापक इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे क्या फायदे हो रहे हैं और किस तरीके से हम आधार को और भी कम तरीके से राज्य सरकार की सभी योजनाओं में लागू कर सकें, क्या फायदे हैं, उस पर पूरी चर्चा है। इस मौके पर रांची क्षेत्रीय कार्यालय के निदेशक नीरज कुमार, DDG अखिलेश कुमार गुप्ता और DBT मिशन के निदेशक देवेंद्र कुमार समेत अन्य गणमान्य लोग और विशेषज्ञ मौजूद थे। रांची से सहयोगी विकास के साथ शिवानी की रिपोर्ट। ईडी की टीम ने रांची और धनबाद में कई स्थानों पर आज दबिश दी। मामले को मैनेज करने के मामले में रांची के 15 में दर्ज हुए केस के आलोक में ईडी की यह कार्रवाई हुई। ईडी की टीम ने इन दोनों शहरों में अधिवक्ता, DTO और CO समेत आधा दर्जन ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी की यह कार्रवाई जमीन घोटाले से जोड़कर भी देखी जा रही है। ईडी ने धनबाद के DTO दिवाकर प्रसाद द्विवेदी समेत अन्य लोगों के ठिकानों पर भी छापेमारी की। चर्चा है कि जमीन घोटाला मामले की जांच कर रहे ईडी को मैनेज करने के लिए करोड़ों रुपए का डील हुआ था। राज्य में मानव तस्करी बड़ी चुनौती बनी हुई है। धनबाद रेलवे स्टेशन पर पूजा के दौरान गिरिडीह से आए एक बच्चे को रेस्क्यू कराकर उसके परिजनों के हवाले किया गया। इधर रेलवे स्टेशन पर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के अलावा रेल पुलिस भी मानव तस्करों पर कड़ी नजर रख रही है। हम लोग को थोड़ा तकलीफ है, इधर उधर सब देने से हम लोग को थोड़ा परेशानी, बहुत परेशानी। हम लोग वही खाने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी खाने के लिए, पीने के लिए कुछ भी, हम लोग को बहुत तकलीफ होता है। इसीलिए हम चलाया स्टेशन मांगने के लिए। 6 बच्चों को रेस्क्यू किया था, जिसमें से 3 दुमका जिले के काठीकुंड के थे और 3 गया जिले के थे। गया जिला का एक ट्रैफिकर भी अरेस्ट हुआ था,
और जो दुमका के बच्चे हैं वो दुमका के बच्चे केरल जा रहे थे जहां उनको किसानी कराई जा रही थी, और जांचों उपरांत ये पता चला है कि विल्सन नाम का एक व्यक्ति है जो उन बच्चों का जो 800 रुपया का वेज था पर डे का, उसका 200 रुपया रख लेता था। बहुत बड़ा रैकेट चल रहा था, और जैसी कि सूचना हम लोगों के पास में, हालांकि वेरीफाई करने की बात है कि विल्सन बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है और झारखंड के मैक्सिमम मजदूर जो ट्रैफिकिंग होता है उसको विल्सन ही केरल में एडजस्ट करता है। राज्य भर में आज शारदीय नवरात्र के छठे दिन मां दुर्गा के षष्ठम रूप मां कात्यायनी की पूजा अर्चना के लिए मंदिरों के अलावा लोग पूजा पंडालों का भी रुख कर रहे हैं। राजधानी रांची समेत राज्य भर में दुर्गोत्सव को लेकर माहौल भक्तिमय बना हुआ है। पंडालों में जन सैलाब उमड़ रहा है। विभिन्न पूजा समितियों द्वारा इस बार एक से बढ़कर एक पूजा पंडालों का निर्माण कराया जा रहा है। रांची के मधुकम में शारदीय नवरात्र पर गरबा डांडिया का आयोजन हुआ जिसमें लोगों ने उत्साह पूर्वक हिस्सा लिया। धनबाद में भी दुर्गोत्सव की धूम है। त्योहारों में खलल ना पड़े इसके लिए पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। धनबाद में दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण और सुरक्षा के माहौल में आयोजित करने के उद्देश्य से शहर के मुख्य चौक चौराहों पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। पूजा पंडालों पर भी पैनी नजर रखी जा रही है ताकि असामाजिक तत्वों पर नजर रखा जा सके। जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक रिदिप पी जनार्दन ने बताया कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से 400 अतिरिक्त होमगार्ड जवानों की तैनाती की गई है। उठाते हुए पॉकेटमारी, छिड़खानी, रात में चोरी, ये सब करते आ रहा है। इसको रोकथाम के लिए अभी सब जवान लोगों को, ऑफिसर लोगों का ब्रीफिंग किया गया है। इन लोगों को अपना काम अच्छी तरीके से केयरफुल होकर अलर्ट होकर कैसे करना है उस पर दिशा निर्देश दिया गया है। इधर त्योहारी सीजन में सरकार की उदासीनता से ऊर्जा मित्र संघ नाराज है। उनका कई महीनों से वेतन लंबित है जिससे उनका आक्रोश बढ़ता जा रहा है। उन्होंने भिक्षाटन कर अपनी नाराजगी जाहिर की। विधायक राज सिन्हा ने भी उनकी मांगों को जायज ठहराया। जो ऊर्जा मित्र हैं, इनके ऊपर बिजली की सारी व्यवस्थाएं लगभग इनके ऊपर निर्भर है। ये अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन आज 22 महीने से इन लोगों को वेतन नहीं मिल रहा, इनका पैसा बकाया है। लगातार ये मांग उठा रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, जीएम के साथ, अफसरों के साथ बैठकें कर रहे हैं, लेकिन इनको तनख्वाह नहीं मिल रहा। आज बताइए, दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ, सारे त्योहार आ गए। हजारीबाग झील की सफाई की मांग को लेकर कांग्रेस नेताओं ने आज जल सत्याग्रह कर सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 नगर निगम हाय हाय, नगर निगम हाय हाय। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने विधायक समरी लाल और पूर्व विधायक रामकुमार पाहन के साथ धुरवा के सखुआ बागान में लगभग 425 फीट नाली निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। श्री सेठ ने सांसद निधि से जेपी मार्केट धुरवा में पीसीसी पद का भी शिलान्यास किया। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने हेतु और हराटांड़ गांव का भ्रमण किया। इस दौरान श्री सेठ ने एयरपोर्ट के विस्थापित गांव के विकास और जन समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता बताई।
केंद्रीय मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र को पुण्यतिथि पर नमन किया और उनके द्वारा रचित अमर कृतियों को समाज का दर्पण तथा साहित्यिक धरोहर बताया जो हमेशा हमें प्रेरित करती रहेंगी। धनबाद सांसद ढुल्लू महतो ने पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर सामाजिक न्याय के लिए उनके संघर्षों को याद किया। बोकारो में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तृतीय किश्त का जिला स्तरीय भुगतान समारोह समाहरणालय सभागार में आयोजित हुआ। इस दौरान जिले के कुल 3,25,593 लाभार्थियों को अक्टूबर माह की राशि हस्तांतरित हुई। साहिबगंज उपायुक्त ने अनुमंडल पुस्तकालय का निरीक्षण किया। उन्होंने पुस्तकालय में नियमित रूप से पत्रिकाओं की खरीद, अतिरिक्त कमरे का निर्माण, बुक रैक और शौचालय निर्माण के संबंध में जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने पुस्तकालय प्रबंधन समिति का गठन करने की भी हिदायत दी, साथ ही विद्यार्थियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं भी जानी। लातेहार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में यातायात सुरक्षा को लेकर मंथन हुआ और जिले में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने पर जोर दिया गया। रोड सेफ्टी नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए। हजारीबाग उपायुक्त ने कार्यालय कक्ष में अनुकंपा के आधार पर अनुशंसित 3 लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। उपायुक्त ने बताया कि 20 सितंबर को आयोजित जिला अनुकंपा समिति की बैठक में इनकी अनुशंसा की गई थी। पलामू सांसद विष्णुदयाल राम ने जानकारी दी है कि उनके प्रयासों के फलस्वरूप रेलवे बोर्ड ने बरवाडी 54 चुनार पैसेंजर ट्रेन के पुनः परिचालन की अधिसूचना जारी कर दी है। साहिबगंज उपायुक्त की मौजूदगी में जिला स्थापना समिति की बैठक में 14 मामलों पर चर्चा हुई, जिसमें अनुकंपा के आधार पर 4 आवेदनों की स्वीकृति की गई। उपायुक्त ने इस दौरान सभी विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विधायक सविता महतो ने ईचागढ़ प्रखंड में 12 करोड़ 75 लाख की लागत से बनने वाली 6 सड़कों का भूमि पूजन किया। चांडिल के फोदलोगोड़ा में पीसीसी सड़क तथा जलमीनार का शिलान्यास किया। कोडरमा उपायुक्त ने जनता दरबार में लोगों की समस्याओं को सुना और आवेदनों को संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को अग्रसारित कर जल्द निष्पादित करने के निर्देश दिए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नव चयनित कर्मियों को सौंपा नियुक्ति पत्र। राज्य के विकास में जुटने की अपील। झारखंड को विशिष्ट पहचान दिलाने का सीएम ने जताया संकल्प। केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने झारखंड दौरे के क्रम में विभिन्न कार्यक्रमों में लिया हिस्सा। राज्यपाल से की मुलाकात। विकास और सुशासन पर दिया जोर। गोगो दीदी योजना को लेकर भाजपा ने बढ़ाया जनसंपर्क। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने रांची में लाभार्थियों का भरवाया निबंधन फॉर्म। और सीईओ का विधानसभा चुनाव में वोटरों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर। रांची में 18 और 19 अक्टूबर को कला महोत्सव। आधार की उपयोगिता पर राजधानी में कार्यशाला का आयोजन।